चाहे 2013 हो, 2015 हो, 2018 हो, 2021 हो, जिसका जिसका थंब इम्प्रेशन मिसमैच हुआ या थंब इम्प्रेशन ठीक से काम नहीं किया, उन लोगों को विद हेल्ड में रख लिया, बट हमारा अंगूठा थोड़ा बड़ा हो गया, इसका शेप बदल गया है। तो अभी आपके पास इनफ समय है, आप आधार सेंटर जाओ या पोस्ट ऑफिस जाओ या आधार सुधार केंद्र जाओ। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। SSGD का फिजिकल कब होगा, एडमिट कार्ड हो कब आएगा, रनिंग कैसे करनी है, मेरे को 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट, किसी किसी को 26 मिनट, 27 मिनट लग रहे हैं, सबके मन में बस यही समस्या चल रही है, फिजिकल फिजिकल फिजिकल। बट आपका जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, आपने देखा होगा चाहे 2013 हो, 2015 हो, 2018 हो, 2021 हो, जिसका जिसका थंब इम्प्रेशन मिसमैच हुआ या थंब इम्प्रेशन ठीक से काम नहीं किया, उन लोगों को विद हेल्ड में रख लिया गया। तो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, मुझे मालूम है कि फिजिकल बहुत ही नज़दीक आ गया है, बट आपका आधार कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। और एक अपडेट अगर आपने अभी तक आधार कार्ड में नहीं करवाया है तो अभी पोस्ट ऑफिस जाके या आधार सेंटर जाके इसको अपडेट करवा लो, वरना बाद में आपको पछताना होगा। तो आधार कार्ड के आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो SSGD या कोई भी जॉब के लिए जो भी बहाली आती है उसका डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, खास करके SSGD का डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका डोगरा हो, या फिर एनेक्जर हो, या मेट्रिकुलेशन या एडुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो SSGD है ये मेट्रिकुलेशन लेवल का बहाली है, मेट्रिकुलेशन लेवल का जॉब है, तो इसमें कभी भी आप अपना हायर क्वालिफिकेशन शो मत करना, ISC, BSc, BA, BTech, BA, MA, BEd, पता नहीं कौन कौन सी डिग्री है, इन सब डिग्रियों को शो नहीं करना है। नॉर्मल आपको मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट देना है, वो इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर सिविल में कोई भी एग्जाम निकालते हो तो आपको तो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, बट थोड़ी समस्या होगी। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको मायूस नहीं होना है, मेट्रिक लेवल पर आप जॉब कर रहे हो, कॉन्स्टेबल लेवल पर जॉब कर रहे हो, बस चिंता नहीं करना, 3 साल के बाद ही आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप आराम से सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। देखो आपका जो आधार कार्ड है वो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपका पैन कार्ड हो, मेट्रिकुलेशन हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सब भी ज़रूरी है, बट आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जब आपने अपना आधार कार्ड बनवाया था उस समय आपकी उम्र 7 वर्ष होगी, 10 वर्ष होगी, 12 वर्ष होगी, बट फिलहाल आपकी अभी उम्र 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, 22 वर्ष है, 24 वर्ष है। तो आपने जो बचपन में थंब इम्प्रेशन दिया था वो थंब इम्प्रेशन तो वही है, बट हमारा अंगूठा थोड़ा बड़ा हो गया है, इसका शेप बदल गया है। तो अभी आपके पास इनफ समय है, आप आधार सेंटर जाओ या पोस्ट ऑफिस जाओ या आधार सुधार केंद्र जाओ, वहाँ पर जाकर बोलना कि मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करवाना है। क्या कहना है, मुझे अपने थंब इम्प्रेशन को अपडेट करवाना है, क्योंकि मेरे शेर मेरी शेरनियों, आप जैसे ही फिजिकल देने के लिए जाओगे सबसे पहले वो आपका थंब इम्प्रेशन बनाता है और आधार कार्ड से आपके थंब इम्प्रेशन को मैच करता है। और अगर वहाँ पर किसी को समस्या हो गई तो एक तो वो फिजिकल सबसे बाद में देगा, ऊपर से उसे 10-20 तरह के फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे और हो सकता है फाइनल मेरिट में उसे विद हेल्ड कैंडिडेट में रख दिया जाए। तो आपके पास समय है, अपने आधार सेंटर जाना है, आधार सेंटर जाकर अपना थंब इम्प्रेशन अपडेट करवा लो, 1 या 2 दिन में अपडेट हो जाएंगे और 10 दिन के अंदर आपके नए आधार कार्ड भी आ जाएंगे, बट आपका आधार नंबर वही रहेगा। अगर एक बार आपका थंब इम्प्रेशन अपडेट हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, देखो डॉक्यूमेंट्स की चिंता नहीं करनी है फिलहाल, ना तो आप मेडिकल की चिंता करो, ना तो आप डॉक्यूमेंट्स की चिंता करो, आप अपना फुल फुल स्ट्रेटेजी, फुल कंसंट्रेशन फिजिकल के ऊपर लगाओ, क्योंकि एक बार अगर आप फिजिकल निकल गए तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। और फिजिकल के में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं है, एक लगता है आपका एडमिट कार्ड, जो फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होगा, दूसरा लगता है आधार कार्ड, तीसरा लगता है 4 फोटो। मैं स्पेशल वीडियोज भी बना दूंगा कि फिजिकल देते समय क्या क्या लेकर जाना है, नाश्ते के लिए क्या क्या लेकर जाना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप रिटर्न निकालो, फिजिकल के लिए मैं हूँ। देखो मुझे मालूम है कि आप जिस गरीब परिवार से हो, मैं भी उसी गरीब परिवार से हूँ, मैं भी नमक रोटी खाकर ही फिजिकल की तैयारी करा हूँ, मेरे भी पिताजी भरी दोपहरी में काम करते हैं, माताजी फटी साड़ियों में रहती है, तो मैं आपके दर्द को भली भांति समझता हूँ। देखो मेरे दोस्त,
SSC GT का फिजिकल निकालने के लिए छाती चाहिए, जुनून चाहिए, अपने गरीबी को याद करना है, अपने धोखे को याद करना है, और डॉक्यूमेंट्स के लिए चिंता नहीं करना है। देखो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नहीं। डॉक्यूमेंट्स कब लगते हैं? मेडिकल के समय पहला दिन डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसी दिन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? हमारे आधार कार्ड लगते हैं, हमारे पैन कार्ड लगते हैं, एज प्रूफ के लिए और एडुकेशन के लिए मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगता है, रेसिडेंशियल या डोमेसाइल लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, अगर किसी ने चेस्ट या फिर हाइट में छूट ली है तो उसे डोगरा सर्टिफिकेट लगता है, और एनेक्जर वगैरह तो लगते हैं, नहीं भी लगते हैं, बट आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, सिर्फ एक रेसिडेंशियल स्टेट लेवल का होता है। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपकी आई डिस्टेंस क्या है, आपके दांत कैसे हैं, आपके ईयर्स, आपके नोज या आपकी नुकनी या आपके पाइल्स, या फिर गर्ल्स को भी मेडिकल की 1% की भी चिंता नहीं करनी है। सब पर वीडियो जाएंगे, स्पेशल वीडियो जाएंगे। फिलहाल आपके पास समय है, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड ठीक करवा लेना है। दूसरी बात, फिजिकल की जब आप तैयारी करते हो अपनी प्रैक्टिस जारी रखना है। डॉक्टर बोलेगा कि प्रैक्टिस बंद कर दो, आपके दर्द होंगे तो आपको रेस्ट के लिए बोल दिया गया होगा, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करो, डॉक्टर से मिल लो, और पेन किलर और कैल्शियम की टेबलेट डॉक्टर से मिलकर ले सकते हो। मेडिकल वाले के कहने पर पेन किलर या कैल्शियम की टेबलेट नहीं लेना, डॉक्टर के कहने पर ही कैल्शियम और पेन किलर का टेबलेट लेके आप अपने फिजिकल को क्या करो, प्रैक्टिस में रखो। देखो आपको जो दर्द ग्राउंड में मिला है वो ग्राउंड में ही जाएगा, दौड़ते हुए जो आपको दर्द होता है वो दर्द दौड़ते हुए ही खत्म होगा। दूसरी बात, सांस फूलने की समस्या आती है। देखो हमारी सांस क्यों फूलती है, क्योंकि जब हम स्टार्ट लेते हैं तो बहुत ही स्पीड ले लेते हैं। SSC GT की रनिंग इंडियन आर्मी की रनिंग नहीं है, आपको स्टार्ट बिल्कुल ही स्लो लेना है और एक स्टेप में आगे बढ़ते रहना है। कभी भी टेंशन में नहीं आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक नाक से सांस लेना है। अगर मैं आपको स्पेशल डाइट्स के बारे में बता दूं, तो रात के सोते समय एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच देसी घी डाल के पी लो। देखो मैं वही बातें आपको बताता हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकल करा है, मैंने ग्राउंड में देखा है, मैंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं एक गरीब बंदा हूँ, तो मैं वीडियोज़ में बोलता हूँ, हाँ मैं गरीब बंदा हूँ, हाँ मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मुझे बड़ा बनने का कोई शौक़ नहीं है, मेरा बस माता रानी से एक ही दुआ है कि आपका फिजिकल निकल जाए, आपकी मेरिट आ जाए, और आपका जो वर्दी लेने का सपना है वो सपना पूरा हो जाए। दूसरी बात, अभी अगर आप SSC GT की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो अपने ऊपर किसी भी प्रकार का FIR नहीं होने देना। आपके पड़ोसी या अंकल चाहेंगे किसी भी प्रकार का FIR कर दें, क्योंकि अगर आपके ऊपर FIR हो जाता है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, और ज्वाइनिंग के लिए SP का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ही मस्ट होता है। तो जब तक फिजिकल नहीं हुआ है, तब घर में रहना है, अच्छे से रहना है, बाइक वगैरह नहीं चलाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और किसी भी प्रकार के FIR में नहीं आना है। फिर भी फिजिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से कमेंट करो। मेरी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।